पटना का इको पार्क का अंदर का व्यू है। नहीं देखते हैं दोस्त, पटना के इको पार्क का अंदर का टिकट शुल्क। मेष राशि से संबंधित नक्षत्र वृक्ष, और ये क्या है भाई, मेष राशि से संबंधित बोटिंग है, स्टार्ट है, आ गया है तुम देख। ये है जू का पार्क, जू नहीं इको पार्क, हाँ रहता है दोस्त। चल बोटिंग देखा कहाँ से, ये पटना के इको पार्क के अंदर का बोटिंग का नज़ारा। पूरा एंजॉय ले रहा भाई, इको पार्क का इवनिंग का लुक।
पटना इको पार्क के अंदर में एक छोटा सा भूल भुलैया है, हाँ जस्ट यार आज इको पार्क में घूम करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। हाँ मज़ा ही लो आ नहीं रहा तो आ ही नहीं रहा हम लोग भाई सब फंस रहे वहाँ पे यह है इको पार्क का वोटिंग का पूरा एरिया देख रहे हैं आप लोग। यहाँ तक 8 बजे तक ये इको पार्क खुला रहता है और आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। बहुत मस्त पार्क है और यहाँ पे वोटिंग का बहुत आनंद ले सकते हैं। अच्छा खासा थोड़ा सा लेंथ भी है, लंबा भी है, पानी का देख रहे हैं पूरा बड़ा हुआ है और पूरा सब मस्ती सब कर रहे हैं लोग। शाम का टाइम हो गया, अब हम लोग निकलते हैं। हाँ हम लोग आए थे 1 घंटे पहले, शाम हो गया था। यह है अभी पटना के इको पार्क का अंदर का लुक, आप अभी देख सकते हैं। नहीं पहली बार आ रहा है, हम तो कई बार आ चुके हैं यार। बहुत ही अच्छा लुक है यहाँ का। फर्स्ट टाइम विजिट किया है भाई। ए आर्यन जी ये अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं पटना के इको पार्क में। ये देखिए अंदर का नज़ारा है, अमेजिंग प्लेस पटना देख सकते हैं। ये सब का मामले बहुत अच्छा है, फेमस है वेस्ट पार्क इन पटना। पटना का ये इवनिंग टाइम में यही सब होता है पार्क में, देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी लेकिन मोटी मोटी होती है। थोड़ा सा झलक देख सकते हैं, ऐसा नहीं है पूरा दिखेगा। ये है शाम में बोटिंग का नज़ारा, ज़्यादा है बोटिंग का नज़ारा है ना, और कुछ विशेष तो है नहीं, ज़्यादा टाइमिंग नहीं होगा मुझे तो लगता है, कोई फायदा है नहीं। पहले आके चलेंगे बोटिंग करना, अभी नहीं। बोटिंग करने के व्यू से जिन किन्हीं को आना है तो कृपया 3 बजे तक एंट्री मार दो, तब आप भी यहाँ का टोटल चीज़ का लोकेशन का एंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए 6 बजा नहीं, पूरा एकदम यहाँ पर अंधेरा हो गया, लाइट का प्रॉपर उतना व्यवस्था है नहीं, पूरा व्यवस्था है नहीं, देख सकते हैं मतलब वाइट लाइट है यहाँ पे होना चाहिए था वो पार्क, मतलब है कि यहाँ पे लाइट होना चाहिए पूरा प्रॉपर, लाइट आने के बाद लगे कि हाँ पूरा डे में मज़ा ले रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं। इवनिंग के बाद वहाँ कुछ विशेष व्यवस्था है नहीं, देख सकते हैं आप। रहो रहो कंटिन्यू, देखिए बाकी यहाँ पे राउंड अप में आप देख सकते हैं, उधर है उद्यान प्रशासन। तो हेलो दोस्तों, और ये है प्रशासन उद्यान, उद्यान प्रशासन जो लास्ट है, ये इको पार्क का राउंड अप है जो बाहर की ओर से जो रोड है इधर लास्ट एरिया यही है। देखिए बोट स्टीम दिखा दो एक बार, यहाँ से बोट स्टीम का टिकट मिलेगा जिन किन्हीं दोस्तों को बोट का एंजॉय लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे टिकट है। और देखिए यहाँ पे बच्चों
और मित्रों सारे लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हैं। देखिए 6 बजे के बाद यहाँ पे 2 सीटर 80 रुपया, 4 सीट के 100 है और 4 व्यक्ति का प्रति 20 मिनट 20 रुपया राजधानी वाट का है। और अभी हम लोगों ने आए थे पर देखिए कितना सारा वेटिंग है, तो आज हम लोग नहीं बोट का मज़ा ले पाए, हम नेक्स्ट विजिट में देखेंगे क्या है, बट ऐसा कुछ मज़ा नहीं आया आज। देखिए सामने यहाँ का नज़ारा है बिल्कुल अलग है, देखिए यहाँ पे पब्लिक का भीड़ और जितने भी परिवारजन हैं वो सारे लोग इवनिंग समय पूरा परिवार के साथ आते हैं और एंजॉय लेते हैं, और इन लोगों ने बोट का वेट कर रहे हैं कि कब बोट आए और बोट का मज़ा लें। ये देखिए बच्चा, ओ माय गॉड क्या बालक, क्या मज़ेदार है। Okay, उनका मम्मी है जो बुला रहे हैं, शायद उनका बच्चा गुस्सा कर रहा है, गुस्सा करके जा कर के बैठ गया उसके वजह से बोल रहे हैं। फाइनली दोस्तों हम लोगों ने इको पार्क का एंजॉय ले लिया और हम आए थे हमारे पप्पू भाई हैं जो अब हम लोग निकल रहे हैं, टाइम हो गया, टाइम अप हो गया। हम लोग एग्जिस्ट हो गए, ये देखिए सामने इवनिंग का नज़ारा है, बाहर का लोकेशन है आप देख सकते हैं, बाहर में सब है, काफ़ी अच्छा है लग रहा है। तो अभी हम लोगों ने इको पार्क से निकल करके